वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज बात करेंगे क्या भक्ति करने वालों को धन अर्जन करने की या सांसारिक जीवन जीने की छूट नहीं होती, ठीक। तो देखिए, भक्ति एक भगवान तक पहुंचने का मार्ग होता है, ठीक है। भगवान तक पहुंचना है, लेकिन हम रह तो संसार में रहे ना, संसार में रहकर ही हमें भगवान तक पहुंचना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भक्ति करने वालों को धन अर्जन नहीं करना, भक्ति भी करनी है और अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमें धन अर्जन भी करना है। हमारा जो सनातन धर्म है वो चार प्रकार के पुरुषार्थ की बात करता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। तो धर्म का अर्थ होता है कि अपने कर्तव्यों का बहुत ही ईमानदारी और बेहतर तरीके से पालन करना, ठीक। फिर जब हमारे पास कर्तव्य हैं तो कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमारे पास धन भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमें धन अर्जन करना होगा, हम कितने भी बड़े भक्त होंगे, ठीक। अगर हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं भी हैं तो भी हम स्वयं के प्रति जवाबदेह हैं, तो हमें स्वयं के जीवन को चलाने के लिए धन अर्जन थोड़ा बहुत करना होगा, ठीक। फिर होता काम, काम मतलब जो सांसारिक इच्छाएं हैं हमारी उन्हें पूरा करना, ठीक। हमें मकान की इच्छा हो सकती है, घर की अच्छे भोजन की इच्छा हो सकती है, गाड़ी की इच्छा हो सकती है, तो इन सबको हम अर्थ के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो अर्थ की व्यवस्था हम कर रहे हैं, वो जो धन अर्जन हम कर रहे हैं, वो उसका जो तरीका है वो सही हो, उसको हमने अर्जित करने में किसी का दिल ना दुखाया हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर होता है मोक्ष, अपनी इच्छाएं कर ली, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपने धन अर्जन भी कर लिया, धन अर्जन करने के साथ साथ आपने उनका उपयोग भी कर लिया, उपभोग भी कर लिया, ठीक है। अब मोक्ष, मोक्ष कहीं किसी दुनिया में नहीं मिलता है, ऊपर कहीं स्वर्ग में नहीं मिलता है, मोक्ष यही मिलता है जब हम अपनी सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, तो वही मोक्ष कहला जाता है, वही मुक्ति कहला जाती है, ठीक है। अब ये नहीं कि हमारे मरने के बाद हमें मुक्ति मिलती है, हमारे मरने के बाद हमें मुक्ति नहीं मिलती है, जिंदा में ही मिलती है, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। जब हम अपनी सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से अपने मन को हटा लेते हैं, या कि फिर अपने मन को हम अपने बस में कर लेते हैं, मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं, ठीक, तो वही कहला जाता है कि मुक्ति, जब हमारा दिमाग उन सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक कामनाओं के पीछे नहीं घूमता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर हो जाता है। तो वो जब हम प्रभु की ओर समर्पण कर देते हैं, लेकिन प्रभु प्राप्ति, भगवत प्राप्ति एकमात्र इच्छा रह जाती है, तो वही फिर मोक्ष बन जाता है। और फिर जब कभी कभी इतनी हाईएस्ट लेवल पर आपकी भक्ति पहुंच गई कि प्रभु की प्राप्ति भी आपके लिए या भगवत दर्शन भी आपके लिए मायने न रखता हो, सिर्फ और सिर्फ उनका स्मरण, उनका नाम स्मरण ही ध्यान में रहता हो, बाकी सारी चीज़ें आपके दिमाग से हट गई हैं, तो वो मोक्ष हो जाता है। वही मतलब जो पूर्णतः मुक्ति होती है वो यही है, ठीक है। तो बेसिकली भक्ति में हम कर्म को भी जोड़ते हैं, कर्म और भक्ति कभी अलग अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। जो हमारा कर्म है उसी को हमें भक्ति के तरीके से करना है, मतलब हमारा जो मन हो वो प्रभु में समर्पित हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से पीछे कभी नहीं हटना। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें काम दिया गया है, उसे ही हमें पूरी ईमानदारी के साथ करना है, यही भक्ति है। असली एक कहानी के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति आया
कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए। उनसे पूछा कि असली भक्त कौन होता है, परम संत कौन होता है, परम तपस्वी कौन होता है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पास के शहर में तुकाराम नाम का व्यक्ति रहता है, व्यापारी है, तो उसके पास जा और उसके पास बैठना। चले गए ये जो व्यक्ति थे, ये चले गए तुकाराम जी के पास। पहुँचे, किसी से पूछा तुकाराम जी की दुकान कहाँ पे है, दूसरे व्यक्ति ने बताया। वो गए उनकी दुकान में, सुबह से शाम हो गई, बैठे रहे बैठे रहे। जब शाम को तुकाराम जी अपनी दुकान से, अपने व्यापार से फ्री हुए, तब उन्होंने देखा कि सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उनकी दुकान में। उन्होंने पूछा, बताइए कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अब आप ये बताइए कि मुझे उन संत ने भेजा है और उन संत ने कहा कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े संत हैं, तो आप तो पूरा दिन इस दुकान में ही निकाल देते हैं, फिर आप कब भक्ति करते हैं, आपके पास कब समय मिलता है भक्ति करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। तब तुकाराम जी ने बताया, बोला मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, मेरा कर्म ही मेरी भक्ति है, और जब मैं तराजू से किसी भी सामान की तौल मोल करता हूँ तो उसे बड़े गौर से देखता हूँ कि संतुलन की अवस्था में रहे, इतना भी इधर उधर ना हो, और अपने भीतर बैठे ईश्वर से भी पूछता हूँ कि ठीक है, और जब मेरे भीतर के ईश्वर बोल देता हाँ ठीक है, संतुलित है, तो मैं दे देता हूँ। और यही मेरी भक्ति है, अपने कार्य को एकाग्रता से करना ही भक्ति है। ठीक है, बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो यहाँ पे वही अप्लाई हो रहा है, कर्म ही पूजा है। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि संत सांसारिक जीवन को छोड़ देने से कोई नहीं बन जाता है। सांसारिक जीवन छोड़ना भी एक प्रकार की तपस्या है, वो एक अलग मैटर है, बट हम संसार में रहकर भी तपस्वी और संत की भांति जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और वो यही तरीका है कि हम अपने काम में लीन हो जाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।